के 27 अब शालीमार एक्सप्रेस और हमारी ट्रेन मुल्तान पहुंची 9 घंटे लेट। रोड़ी से चले थे हम 8.5 घंटे लेट और मेरी सर्विस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हम शालीमार लेके आ रहे हैं और वो इतनी लेट हो गई। लेट होने की वजह ये है कि कल 28 जो गई थी वो लेट गई थी, तो और वहाँ पर वॉशिंग लाइन में जाके ये और मज़ीद लेट हो गई, तो इस वजह से कराची से इसका लेट डिपार्चर हुआ 2:10 पर, तो उसकी वजह से ये लेट यहाँ पे पहुँची है मुल्तान। और अब ऐसा है कि अभी हम वैसे तो अंडर रेस्ट हो रहे हैं, अगर 28 शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से अगर राइट टाइम चलती है तो फिर हम स्पेयर जाएंगे, अगर इसी रैक के साथ इसको दोबारा लाहौर से चलाया तो ये मज़ीद और फिर लेट होगी, तकरीबन 8-9 घंटे फिर लेट आएगी लाहौर से। अगर लाहौर से लेट चलती है तो फिर हमें फिर इस ट्रेन को वर्क करना पड़ेगा रोड़ी के लिए। तो अभी ऐसा है कि अभी मुल्तान में इस ट्रेन का स्टॉप है 20 मिनट का, उसके बाद फिर यहाँ से हम खानेवाल जाएंगे, खानेवाल से फिर देखते हैं रेस्ट करते हैं या फिर ये ट्रेन लेके आते हैं या स्पेयर आते हैं। चार्ज दे दिया है लाहौर के ड्राइवरों को, अब आगे ये ट्रेन लेके जाएंगे। तो भाई पहुंच गए अभी हम खाने वाले के रनिंग रूम में और किशोर भाई अभी अभी रूम से बाहर आए। किशोर भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ उठ गया गुलाम? सो रहा उठाया नहीं, चलो उठाता हूँ। तो गुलाम अली अभी अपने रूम में सो रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना ताकि वो अभी उसने वहाँ से वर्क करनी है खैबर मिल, तो हम अपने रूम में अभी आ गए। अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हो कि हमने यहाँ से स्पेयर जाना है या यहाँ से ट्रेन लेके जानी है। अगर ट्रेन लाहौर से 28 डाउन राइट टाइम चली जाती है तो फिर हम वो ट्रेन लेके नहीं जा सकेंगे, फिर हम स्पेयर ही जाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचते तो हमें 9 घंटे रेस्ट करना ज़रूरी है, तो वो रेस्ट हमारा कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से शायद हम स्पेयर चले जाएँ रोड़ी। तो अभी ऐसा है कि थोड़ा फ्रेश हो जाएं, फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर मालूम। अभी किशोर भाई हमारे रूम में आए कि वो बता रहे हैं कि गुलाम अली जो है ना वो उठ गया है, तो अभी उससे मिलते हैं जाके। हेलो
किससे मैसेज पे चैट कर रहे हैं बताऊंगा भाभी को। पकड़ा गया ये आज भाभी, इसको पकड़ लिया, ये सुबह सुबह किसी से चैटिंग कर रहा था मोबाइल के ऊपर। हसीना अली है कोई? हसीना अली हुसैन अली है। और सुनो ठीक है? चलो अभी उसको फ्रेश हो जाओ नाश्ता। सुबह भी फ्रेश हो गए और अभी हमारा नाश्ता तैयार करवाया गुलाम अली शेख साहब ने, ये हमें नाश्ता करवा रहे हैं यहाँ पे। आज आज हम इनके मेहमान हैं। बिल्कुल जी मेहमान हैं प्यारे भाई हमारे रिजवान भाई। दोपहर का खाना आपको खिलाएंगे, आपने खुद खाना है इंशाल्लाह। ठीक है, ये हमारी लगी हुई टेबल इधर, अभी कुछ ही देर में हमारा नाश्ता लग जाएगा यहाँ पे। और ये लस्सी आपकी है, चने और अरबी। तो भाई अभी नाश्ता वगैरह करके अभी हम आ गए हैं अभी, और अब हम जा रहे हैं शेड की तरफ पता करने के लिए कि हमने यहाँ से ट्रेन लेके जानी है या स्पेयर जाना है। गुलाम अली मेरे साथ हैं आज, अगर हम स्पेयर जाते हैं तो मैं फिर इनका मेहमान बनूँगा, इनके साथ जाऊँगा फैबर मेल पर। अगर फैबर मेल पहले आ गई तो, अगर शालीमार ही पहले आ गई तो फिर हम शालीमार पे चले जाएंगे। ड्राइवर साहब मेरे साथ आए हैं गुलाम मोहम्मद साहब, इनके असिस्टेंट ड्राइवर गए मेरे रिफ्रेशर कोर्स पर फरहान खादिम साहब, तभी मैं इनके साथ आया हूँ। तो ये यहाँ का शेडमैन ऑफिस है, यहीं से हमें डिपार्चर स्लिप वगैरह मिलती है। ये हमारे अजमल साहब हैं, खाने वाले शेड में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? तो भाई अभी हमारा डिसाइड हो गया, हमने यहाँ से जाना है स्पेयर, और 28 डाउन शालीमार पहले आ रही है तो उस पर हम चले जाएंगे स्पेयर। गुलाम अली भाई लेके आएंगे 2 डाउन अपनी, हम पहले वक्त ही घर पहुँच जाए ना यार। कोई बात नहीं, आधा घंटा इधर है उधर। चलो ठीक है यार, आप लोगों को एक बात बताऊं, रात का टाइम था, 2 से 2:30 बजे का टाइम था, और ये भाई तेज़गाम एक्सप्रेस लेके आ रहे थे मुल्तान से, और मैं अपने घर में मौजूद था। मेरा जो पहले घर था वो रेलवे ट्रैक के साथ ही था रोड़ी में। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, रिजवान कहाँ हो? मैंने बोला मैं घर पर हूँ। खैरियत तो है, इतनी रात को फ़ोन किया है। खैर इन्होंने मुझे कहा कि यार मैं जब तुम्हारे घर के पास से ट्रेन लेके हम गुजरे रोड़ी, जब पहुँचे तो बिल्कुल ट्रेन की स्पीड 0 थी, तो मोबाइल पड़ा हुआ था ट्रैक के पास। याद है ना? तो मोबाइल पड़ा था ट्रैक के पास, वो मैंने देखा है किसी का मोबाइल पड़ा हुआ है, तो तुम्हारा घर बिल्कुल साथ ही रेलवे ट्रैक के, और तुम उठ के जाओ और देखो और मोबाइल उठा के ले आओ। मैंने इसको तो उस टाइम तो मैंने इसको मना कर दिया कि यार रात का टाइम है, मैं ऐसे नहीं जा रहा, और रेलवे ट्रैक के साथ कोई ऐसी कोई तकरीबकारी का इल्ज़ाम लगा के कोई पकड़ ले। तो फिर मैं सोने जब लगा तो फिर तो नींद ही नहीं आए, फिर ध्यान मोबाइल की तरफ भी जा रहा हूँ। फिर मैं हिम्मत करके टार्च लेके जब मैं ट्रैक के पास गया हूँ, जो इसने मुझे जगह बताई दी है कि मोबाइल इस जगह पर होगा, तो ठीक उसी जगह पर मैं पहुँचा हूँ, तो वाकई एक मोबाइल तो नहीं था, मोबाइल का खाली कवर पड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर इनको मैंने बताया कि मोबाइल मिल गया है, आईफोन, जब तो ये नए नए आए थे आईफोन 7 या 6 होंगे, तो मैंने आईफोन 6 था या 7 था वो मिला है, और बहुत ही ये महंगे मोबाइल होते हैं, तो आपकी तो किस्मत खुल गई है। ये भी बहुत खुश रहे। जब सुबह मैंने इनको फिर मोबाइल का कवर ला के दिया तो ये कह रहे यार ये तुमने मेरे साथ प्रैंक कर लिया। तो मैंने उसको कहा यार तुमने मुझे जो उठाया आधी रात को, मेरे साथ नहीं हुआ प्रैंक? नहीं मैंने तो कोई धोखा नहीं किया आपके साथ। अच्छा लगा ऐसा क्या था वो? वो लग ऐसी रहा था जैसे वो क्योंकि मोबाइल पड़ा हुआ है, वो कवर जो था वो उल्टा था। अच्छा, तो मैंने समझा शायद यकीनन मोबाइल ही है, तो मैंने कहा चलो भाई का जो है वो घर नज़दीक ही है तो भाई को बताता हूँ, भाई को मोबाइल मिल जाएगा। मेरा घर जो रेलवे ट्रैक से बिल्कुल इतना ही करीब है जैसे वो दरख्त देख रहे हैं ना, इतना करीब था। अब तो नहीं है खैर, अब तो कहीं और मैं शिफ्ट हो गया हूँ। बिल्कुल। तो अक्सर अपन जब अपन ट्रेन लेके जाते हैं तो हम अक्सर कुछ ना कुछ तो हमें नज़र आता ही है, कोई मोबाइल हो गया या कोई बैग अक्सर नज़र आते हैं, तकिए भी पड़े हुए नज़र आते हैं, दुपट्टे। तो अब ट्रेन तो नहीं रोक सकते हम। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था, इन भाई ने मेरे साथ प्रैंक किया था, और मैंने आपको वाकया एक बताया था आदम साहब स्टेशन पे, तो वो इन्हीं के साथ हुआ था वो वाकया, हॉरर स्टोरी थोड़ी सी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो भाई आपको क्या हुआ था उस टाइम? उस दिन हम शाम का टाइम था रात का, तो लूप लाइन में हम जाके हमें खड़ा कर दिया, 4-7 वाला पावर था। अच्छा, तो गर्मियाँ भी ज़्यादा थी। तो अब मैंने यही सोचा कि अब अंदर तो चलो ड्राइवर साहब लेट गए, मैंने कहा चलो मैं जो है अभी नोज़ पे भी नहीं सो सकता ना। तो जाके मैं छत पे सो गया, साथ ही जो है वो जो है ज़मीनें थी वो बड़े बड़े दरख्त थे, मैंने जो है वो उसकी छत जो है थोड़ी साफ़ करके चादर वादर बिछा के सोने लगा। जब आँख लगी तो मुझे ज़ोरदार थप्पड़ लगा,
तो बाकी वो जगह बड़ी हाँ, लग रही है। तो फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा यार ये क्या यानी चीज़ थी, ठीक है। मैंने कहा इधर मुझे कौन लगा सा, ऐसे ही वहम है। बहरहाल थोड़ा दर्द भी हो रहा था, फिर मैं दोबारा लेट गया। तो उसके बाद फिर मुझे तो दोबारा थप्पड़ लगी, फिर तो मैंने जो थप्पड़ उठाए फौरन थप्पड़ मतलब सामान जो इसने सामान उठाए मेरे, अच्छा टार्च बटुआ ये सारा मैंने ऊपर ही रखा हुआ था। अच्छा। चादरें वादरें उठाई मैंने, बस नीचे देखा ही नहीं कि कहाँ मैं उतर रहा हूँ। और एकदम जाके अंदर मैंने जाके सीट पे नहीं बैठ के और मैंने कुंडी लगा दी। अच्छा। वो जो मेरी गर्मी शर्मी वो सारी ख़त्म हो गई। तो ड्राइवर साहब जाग रहे थे तो बोला क्या हुआ गुलाम अली, और तू तो कह रहा था गर्मी है फिर आके अंदर और कुंडी लगा दी ऊपर। मैंने कहा उसका कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर जो है ना वो ऐसे ही मेरे डर के मारे जो है वो फिर मैं गर्मी में बैठा ही रहा। फिर गाड़ी चली होगी सुबह फिर? हाँ तक नहीं नहीं सुबह नहीं, फिर घंटे के बाद गाड़ी चली। हाँ बहरहाल ये है कि फिर जितना टाइम भी उधर खड़े थे तो डर ही लगा रहा। हाँ भाई ऐसे हमारे साथ ऐसे सीन भी हो जाते हैं, मगर मेरे साथ तो अभी ऐसा सीन नहीं हुआ, मगर और दूसरे एक आधे ऐसे सीन हुए हैं। कभी फुर्सत मिली तो फिर आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस रनिंग रूम में, थोड़ा आराम करें, मैं तो सोऊंगा क्योंकि अभी दो ढाई घंटे बाद आएगी ट्रेन। चल के चाय पियेंगे, दूध पत्ती चाय अभी अभी तो लस्सी पी थी यार। नहीं लस्सी को पिए अभी एक घंटा हो गया है अभी तो, हम बातों बातों में अपन आगे काफ़ी निकला है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ भाई क्या प्रोग्राम है, कैसे होगी दुआ दुआ ठीक ठाक? हमारी ट्रेन लेट हो गई, 28 बजे जाना था फिर तो फैसलाबाद में लेट हो गई। हाँ ये आपकी हो गई लेट, चली गई। हाँ 2:33 हो गए पहले तो ये राइट टाइम आ रही थी। जी जी मतलब अब हमारे साथ जाएंगे हम? आप हमारे साथ चलेंगे फिर तो मज़ा आएगा यार। चलो मैं भी तैयारी करूँ। ठीक है तो अभी तो भाई अभी तैयारी कर रही है हमने स्टेशन जाने की, टोटा वैन आ गई इस पर हमने जाना है अभी बैठ के किशोर भाई हम लोग के साथ स्टेशन पर, और फिर इनकी इन्हीं की ट्रेन पे हम सवार हो जाएंगे रोड़ी के लिए। किशोर भाई नहीं आए अभी तक, इन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। चलो किशोर भाई आ गई वैन, ये हमारे किशोर भाई आज वर्क करेंगे टू डॉन हैवर मेल एक्सप्रेस आने वाले से रोड़ी। तीन बक्से ना एक मेरा है। चलो फिर बताना। चल यार जल्दी आ यार, तेरी वजह से खड़े हुए हम। चल रहे स्टेशन के लिए, इसको बंद कर दो। नहीं करना खुला रहे। अच्छा जी राजू जो है आपसे पहले भाग रहा था, कह रहा था कि मैं 28 पे जो है शालीमार पे जाऊंगा, मगर जो है अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था तो गाड़ी जो है वो हो गई लेट। अभी थोड़ा कम है सर पानी। इसमें से निकलना भाई। अभी स्टेशन पे पहुंच गए हम आने वाले के, और अभी ट्रेन का भी हमारा जो है ना वो लाइन हो गया, कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। किशोर भाई का मैं आपको तारुफ कराऊं, किशोर भाई मोस्ट सीनियर ट्रेन ड्राइवर हैं सखर डिवीज़न के, और तकरीबन 4 से 5 साल हो गए इनको मेल एक्सप्रेस ट्रेन वर्क करते हुए। और इनके साथ ग़ुलाम अली भी मेरे बैच फेलो हैं, ये मेरे बैच फेलो हैं ग़ुलाम अली, ये इनके साथ तकरीबन 3.5-4 साल हो गए, छः साल से एक साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये गुड्स पे भी साथ चलते थे, गुड्स से जब किशोर भाई फिट हुए पैसेंजर ट्रेन के लिए तो तब भी ये साथ चलते रहे। उसके बाद फिर मेल एक्सप्रेस पे भी इनको 2-2.5 साल हो गए चलते हुए। माशाल्लाह से इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। अभी हमने सिर्फ बक्से अपने रखवाने हैं इंजन के अंदर, और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा पीछे कोच में, आगे ग़ुलाम अली भाई है और किशोर भाई ट्रेन वर्क करेंगे। ग़ुलाम अली ने तो मुझे कहा है कि मेरे साथ इंजन में बैठो, मगर अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और हम आपकी खिदमत करेंगे, पिज़्ज़ा मंगवाया है बालपुर से, पिज़्ज़ा नहीं आ रहा और मैंने मंगवाया है। अच्छा हाँ, और बोतल मंगवाई है आपके लिए क्योंकि आप बड़े टाइम के साथ जो है बाद हमारे साथ चल रहे हो, आप चले हमारे साथ। और
किशोर भाई पीछे जा रहा हूँ, अनु अकेले में आया तो फिर आऊँगा। ठीक है काम वाली। तो अभी मैं जा रहा हूँ पीछे कोच में, जगह ले ली होगी ड्राइवर साहब ने, तो अभी वहाँ ही पे बकाया सफ़र हम करेंगे बनो अकेल तक। ए में इसी के नौ के चलो आगे। तो नौ नंबर कोच में एक ही भी मिल जाएगा। मुल्तान और मुल्तान में हमें सरप्राइज दिया जुनेद गुजर ने। मेरा सरप्राइज सरप्राइज हम जुनेद गुजर का नहीं, सरप्राइज है हमारे तौफीक शेख साहब का। अस्सलाम वालेकुम रिजान भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हार्ड बहुत हार्ड वर्किंग करके आया हूँ मैं आज, बहुत थका हूँ, बस अभी गाड़ी चलेगी और मैं ऊपर वाली बर्थ पे जो है जाके सो जाऊंगा बस। आए कौन सी गाड़ी है ये तो बताओ? ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है 5 अप। ये आप बहुत ज़बरदस्त गाड़ी, नॉन स्टॉप गाड़ी है, कराची से चली सीधा हमने खाने वाला के रोका है। ये मेरे बैच के ही हैं तौफीक शेख साहब, सखर से इनका ताल्लुक है। आज पता नहीं ये कैसे ग्रीन लाइन लेके आ गए। आपको जन्नत में यही बात लेके जाएगी कि आपने एक साल इनको खेला। हाँ ये वार्डन में हमारे साथ थे यार, एक साल नहीं यार, छः महीने लाहौर में थे और तीन महीने ढाई से तीन। ये हमारे जुनेद गुजर साहब हैं, जुनेद भाई की तारीफ वो है जो डोनल्स के लिखा होता नाम ही काफ़ी है। हाँ ये वो बंदे हैं ये। वाह मैं बोलूँ यार, मेरा कामन कह रहा यार अब मैं किसको बोलूँ, तुझे भी नहीं बोल सकता मैं कुछ, जुनेद को भी नहीं बोल सकता कुछ, अब तुम आपस में। मैंने कहा भाई मैं डिसाइड क्या करूँ यार, मैं जुनेद से क्या बात करूँगा बताओ। अच्छा हुआ क्या था कि तुम दोनों को कॉल हुई एक नहीं, गाड़ी नहीं, मेरे को नहीं हुई, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं गया हुआ था। इनका ये हुआ कि आप कौन? मैं खामा खा। नहीं मैं खामा खा नहीं, मेरे पास अभी भी जो है ना वो प्रूफ होएगा। हाँ सबूत है। मैं को काली की सबसे पहले 16 डाउन की कि भाई आप 16 डाउन जाओगे, लेकिन अगर मैं 16 डाउन नहीं जाऊँगा, मैं अभी तो आ रहा हूँ कराची से, 27 में आ रहा था कल। अच्छा। कल 27 11 बजे पहुँच गया रात को। हाँ अच्छा तुम्हारे साथ ड्राइवर साहब आए तारिक अब्बास साहब, उनके असिस्टेंट क्या हुआ राजू राकेट को? उनको रात को मोशन लग गए थे, उन्होंने रिपोर्ट सीख कर दी। फिर मैंने राजू राकेट को 8 बजे कॉल की, मैंने कहा यार आसिफ भाई चले जाओ यार, गाड़ी का भी दूर है। बोला दूर है, क्या टाइम हो रहा है? मैंने कहा यार 9 बजे हैं, आ जाओ, मेहरबानी होगी यार, मैं नहीं जाऊँगा यार, अभी तो गोली वोली खाई है थोड़ा, पेट का निज़ाम सही हो। कौन है शेड में? मैंने कहा शेड में तो देख लो यार, पता कर लो, अगर आ जाओ मेहरबानी होगी तो। चलो मैं पता करता हूँ कहाँ पास हो रही है, मैंने गंबड़ पास हो रही है अभी गाड़ी यार। कह रहा चलो ठीक है, देखता हूँ उठाऊँ, अभी उठाऊँ मैं, गोली वोली खाई थी रात को, कुछ सुकून मिला है। मैंने आ जाओ यार, तेरी मेहरबानी होगी, मैं बच जाऊँगा 5 बजे जाने से पहले पहले यार। भाई हम लोग कम से लुधरा पास हुए, अबे यार क्यों झूठ बोल रहा है यार, गाड़ी तो कहाँ है, ढेर की पास हो रही है। तो भाई अभी हम पहुँच रहे हैं रहीमयार खान, और अब हम गाड़ी यहाँ से चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रेन के पीछे पीछे आ रही है शालीमार एक्सप्रेस। अब अभी तौफीक शेख साहब ने फैसला किया है कि अब हम 28 को पकड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि 28 जो है वो बीजेपी के फॉलो है हमारे। चलो आए तौफीक, ये खैबर मिल है, खैबर मिल तू खाली मार पीछे पीछे इसकी आवाज़ ही। है 28 शालीमार एक्सप्रेस जो हमने आज लेके आनी थी, मगर अंडर रेस्ट होने की वजह से हम स्पेयर वहाँ से वापस आ गए। तो अब हम इसी में बैठ के जाएंगे शालीमार में, और इंशाल्लाह ताला बस कोशिश ये है कि हमें अल्लाह करे मिल जाए शालीमार यार। शालीमार तो मिल ही जाएगी, तो 2 डाउन जो है ना वो आगे ना निकले, हमें क्रॉस लाजमी मारना पड़ेगा, सात का बाद में क्रॉस हो जाएगा 2 डाउन से 28 का। बता देते हैं
साल बार एक्सप्रेस में सवार हो गए थे और अभी हम पहुंचने वाले हैं रोड़ी। जुनेद गुजर हम सोए हुए थे एवरमेल में, तो वो खानपुर उतर के चले गए, तो हम जा रहे हैं रोड़ी और रोड़ी पहुंचने वाले हैं तौफीक शेख के साथ। काफ़ी टाइम के बाद इकट्ठे हमने ट्रैवल किया है, कम से कम 6 महीने के बाद, 6 महीने से भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। उनके साथ बहुत पुरानी यादें हमने शेयर की और बहुत गप्पे लगाई, बहुत मज़ा आया। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट ड्यूटी कहाँ पे होती है, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे जब मैं पाकिस्तान एक्सप्रेस लेके जा रहा था मुल्तान, तो ये भी इसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, शहरोज इनका नाम था और ये लाला मूसा जा रहे थे। और इसी तरह जब मैं 27 अप लेके आ रहा था तो ये भी कुछ फ़ैन थे जो घोटके स्टेशन में मिलने आए थे।